आज हम पढ़ेंगे कलश पूजन, कलश स्थापन। यानी हर प्रत्येक पूजा में कलश की स्थापना होती है। गणेश गौरी की प्रथम पूजा होती है, उसके बाद कलश की पूजा ही होती है, इसलिए कलश पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखें। तथा कुमकुमादीनाम भूमौ पद्मम कृत्वा, यानी भूमि पर अष्टदल कमल को बनाएं। ये नीचे लिखा है, इसे पढ़ लें आप। कलश स्थापनम, कुमकुम रोली से भूमि पर अष्टदल कमल बनाकर ओम मही देवो पृथ्वीं च से भरी मवी तक मंत्र पढ़कर, मंत्र ये लिखा है, ओम मही देवो पृथ्वी च न इमं जन्म जन्म विवक्षताम पिपृतान्नो भरी मवी इति भूमि स्पृष्ट्वा, इससे भूमि का स्पर्श करें। इसके बाद ओम खदय शम वदंत सोमेन सहराज्ञा जस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तगु राजन्न पारयामशी इति सप्तधान्यम विकीरेत, इस मंत्र से वहाँ पर सप्तधान को रखें। ओमा जिघ्र कलशम मह्यात्वा विसिन्तुन्दवः पुनरूर्जा निवृत श्वशानः सहस्रम धुक्षभोरुधारा पैश्वती पुनर्मा विशता द्रैः, यदि सप्तधान्यो परिकलशम स्थापये, तो इस मंत्र को पढ़कर उस सप्तधान पर कलश को रखें। वरुणस्योस्तम भानमाशी वरुणस्यस्कम भसर्जनिस्तो वरुणस्य रेत सदन्यशि वरुणस्य रेत सदनमशि वरुणस्य रेत सदनमाशीद, इति कलशे जलम पूरये, तो इस मंत्र को पढ़कर उस कलश में जल भरें। ओं तांगंधर्वा अखनस्वामींद्रस्वाम बृहस्पति तमाम मोखादे सोमो राजा वधमान निक्षमा दामुच्यत, यदि कलशे गंधम क्षिपे, तो इस मंत्र को पढ़कर उसमें गंध यानी सुगंधित चंदन को डालें। ओम जा औषधि पूर्वा जाता देवे भ्यस्त्रियुगम पुरा मनेनु बभ्रूणा महगुं शतन शतन धामानि सप्तचो, इति मंत्रेण कलशे सर्वौषधि प्रक्षिपेत, इससे उसमें सर्वौषधि को डालें। कांडात कांडात प्ररोहन्ति परुहः परुहस्परी एवान दुर्बे प्रतनु सहस्त्रेण शतेन चो, इति कलशे दुर्वं कुरान क्षिपेत, इससे उसमें दुर्वा कुरान को डालें। अश्वत्थेवो निकदनम पर्णेवो वशति वशति कृतापो भाज, अश्वत्थेवो निखदनम प्रणेभ्यो वसति वसति कृता गोभाज इत्किला शतजत्सनावथ पुरुखम, इति पंचपल्लवान, इससे पंचपल्लव को डालें। ओम पवित्रे स्थौ वैष्णव्यौ सविदुर्भ प्रसव उत्पूनाम यछद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्म पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जित्कामः पौने तच्छके यम्मा, इति मंत्रेण कलशे पवित्र पवित्री पवित्र क्षिपेत, इस मंत्र से इति मंत्रेण कलशे पवित्र क्षिपेत, इस मंत्र से उसमें पवित्री यानी क्या डालना है इसके बाद आपसे कुशा कुशा डालें। ओम स्यो न पृथ्वी नो भवन वृक्षरा निवेश निजा न सर्म सप्रथा, इति सप्तमृदो क्षिपेत, सात मिट्टियों को डालें इस मंत्र को पढ़कर। ओम जाह फल निर्जा अफलाज अपपा जाश्च पुपणी बृहस्पति प्रसूतास्तानो मंचत्वगुं हषः, इति कलशे पूगी फलम प्रक्षिपेत, इससे उसमें पूगी फल डालें यानी सुपारी सुपारी को डालें। ओम परिवाज पति कविरंगरव्यान्यक्रमी तो दत्त दधद्रत्नानि दाशुके, इति पंचरत्नानि, इससे पंचरत्न डालें। ओम हिरण्यगर्भः समवृत्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतैमां कस्मै देवाय हविकाभ्य धेम, इति कलशे हिरण्यं क्षिपेत, इसके इससे कलश में डालें हिरण्य यानी सुवर्ण द्रव्य सुवर्ण डालें। ओम सोजातो ज्योति खा सह शर्म बरुथमा शरस्वाहासो अग्नि विश्वरूपगुं संभावशो, इति युग्म वस्त्रेण कलशम वेष्टयेत, इससे कलश को वस्त्र से लपेट दें, क्या करें वस्त्र से दो वस्त्रों से लपेट दें। एति पूर्णा दर्पिपरा पतु सुपूर्णा पुनरापद वशन्येव क्रीण वह मूर्जगुं सतक्रतो, इति कलशोपरि पूर्ण पात्र न्यस्येत, इससे कलश पर पूर्ण पात्र डालें। ओम जाह फल निर्जा अफला अपुपजाश्च पाणी ही, इस मंत्र से ये पूरा मंत्र पढ़ें। मंत्रेण कलशोपरि नारिकेल फलम स्थापय संस्थाप्य, इससे नारियल ऊपर रखें।
ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वादन वादन तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहिडमानो वरुणेह बोध्युरुषगुं शमान आयुः प्रमोहीः। इस मंत्र से अस्मिन् कलशे वरुणं सांगमश परिवारं शायुधं सशक्ति मावाहयामि स्थापयामि ओम अपाम पते वरुणाय नमः इति पंचोपचारे वरुणं संपूज्य ततो गंगाद्यावाहनं कुर्यात्। ये सब तो हमने उसमें कलश में वस्तुओं को डाला है, जैसे कि कलश रखा है, स्थापित किया है। अब इसके बाद आप पंचोपचार से पूजा करें या षोडोपचार से भी पूजा कर सकते हैं, जैसे कि आप मेरे पहले वीडियो में देख सकते हैं, उसमें गणेश गौरी आदि का पूजन दिया है। उससे आप षोडशोपचार से पूजन करें। बस आपको इतना बोलना है, वरुणाध्यावे देवताभ्यो नमः जलम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि आदि आदि, ठीक है। इसके बाद इससे प्रतिष्ठा करें। ओम मनोजोतृजुगतमाज शबरस्पत्र जन्द मंतानोत्वरष्टंजनगु शमीमन दधातु विश्व देवा हिमादयंताम ओम प्रतिष्ठा। ओम कलस्य वरुणाध्यावे देवताः प्रतिष्ठो प्रतिष्ठा वरदा भवन्तु। इससे सब पूजा दिया। विष्णुध्यावे देवताभ्यो नमः दीवासनार्थे अक्षतान समर्पयामि पादेहो पाद्यम समर्पयामि हस्तयोर अर्घ्यम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि पंचामृत स्नानम समर्पयामि शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि गंगाचमनम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि उपवस्त्रम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि गंधम समर्पयामि अक्षतान समर्पयामि पुष्पमालाम समर्पयामि समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि दीपम दर्शयामि हस्तम प्रक्षालनम नैवेद्यम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि मध्यपानीयमुत्रापुष्णं च समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि पूगीफलं समर्पयामि कृतायाः पूजायाः षड्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि आर्तिक्यं समर्पयामि पंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि नमस्कारं समर्पयामि अनया पूजा वरुणदेवताः प्रियन्तान नमः। ये शॉर्ट में दिया है। आपको अगर मंत्र भी देखने हैं तो आप गणेश पूजन में देख सकते हैं। केवल आपको इसमें वरुणाध्यावे देवताभ्यो नमः लगाना है और मंत्र बोलकर पूजा करनी है। ये कलश प्रार्थना लेके लिखी है। देवदान वशंवादे मध्यमाने महोदतौ उत्पन्नोषि तदा कुंभो अभिद्रितो विष्णुना स्वयं त्वत्तये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे तो स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठन्ति स्वाहा स्वयं त्वयिमाशी विष्णुस्तं च प्रजापति आदित्या वशुभो रुद्रा विश्वे देवा शपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यथा कामफलप्रदाः और तत्प्रसादामि यज्ञं कर्तुम् इहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय शिष्यतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणे नमस्तभ्यं पद्मिनी जीवनायकं पुण्याहवाचनं यावत्तं सन्निधौ भवति दुर्गार्चनपद्धतौ कलशपूजनम् इति दुर्गार्चनपद्धतौ कलशपूजनम् समाप्तम्। इसके बाद ही पुण्यावाचन है, इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। काफ़ी लंबा है इसलिए इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।